ऐसा क्या रिश्ता है दुबई प्रिंस और शाहरुख खान के बीच जो शाहरुख खान पर इतना प्यार लुटाता है दुबई? क्यों दुबई के प्रिंस से भी बड़ा है शाहरुख का ओहदा? आखिर किस वजह से दुबई में शाहरुख की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है? बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह दुबई में भी किंग लाइफ जीते हैं। शाहरुख खान के बर्थडे पर बुर्ज खलीफा पर उनको स्पेशली फीचर किया जाता है। हाल ही में पठान के ट्रेलर को भी बुर्ज खलीफा पर दिखाया गया था और तो और पठान फिल्म के कई सारे सीन्स में बुर्ज खलीफा को शूट किया गया था, जिसके लिए दुबई गवर्नमेंट ने उनसे कोई चार्ज नहीं लिया। आज शाहरुख खान और उनकी फैमिली दुबई के किसी भी होटल में फ्री में जाकर रह सकती है। दुबई सरकार ने उन्हें एक पूरा आइलैंड गिफ्ट किया हुआ है, जिस पर 2.8 बिलियन डॉलर का विला भी है। उसका नाम शाहरुख खान ने जन्नत रखा है। पर आखिर क्यों दुबई प्रिंस शाहरुख खान पर इस कदर मेहरबान है? क्या है इसकी वजह? दुबई के किंग की किंग खान को स्पेशल ट्रीटमेंट देने की वजह है शाहरुख खान का कई सालों से दुबई से ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करना। यही वजह है कि दुबई शाहरुख किंग खान पर अपनी जान छिड़कते हैं। पर सवाल अब ये उठता है कि आखिर शाहरुख खान को ही दुबई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर क्यों चुना? दुनिया भर में और भी बहुत सारे फेमस स्टार्स हैं, और अगर इंडिया से ब्रांड एम्बेसडर चुना था तो बॉलीवुड में सलमान और अमिताभ जैसे मेगा स्टार्स भी तो हैं। लेकिन दुबई किंग की पसंद सिर्फ शाहरुख खान ही क्यों बने? तो इस बात का कनेक्शन जुड़ा हुआ है 90s के टाइम से। उस वक्त जहां एक तरफ दुबई बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था, वहीं बॉलीवुड में शाहरुख खान भी जबरदस्त हिट रहे थे। बादशाह फिल्म के हिट होने के बाद दुबई ने शाहरुख खान को नोटिस किया। शाहरुख खान एक ग्लोबल लेवल के स्टार बनते जा रहे थे। वहीं दुबई में काफी सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो हिंदी को अच्छी तरह समझती है और शाहरुख खान को बहुत ज्यादा पसंद करती है, जिसकी वजह से दुबई ने अपने देश में टूरिज्म बढ़ाने के लिए शाहरुख खान के साथ कोलैबोरेट किया। वैसे तो दुबई के किंग के साथ शाहरुख खान के काफी करीबी रिश्ते, पर साल 2016 में दुबई ने शाहरुख खान के साथ ऑफिशियली ब्रांड एम्बेसडर का कोलैबोरेशन किया था। उसके बाद से ही दुबई हर साल बुर्ज खलीफा पर शाहरुख खान को फीचर करके उन्हें बर्थडे विश करता है, क्योंकि शाहरुख खान दुबई के लिए खास है और वो इंडिया से हैं। इसीलिए बुर्ज खलीफा पर इंडिया के इंडिपेंडेंस डे को भी सेलिब्रेट किया जाता है। शाहरुख के लिए तो दुबई ये सेलिब्रेशन फ्री में करता है, लेकिन अगर कोई 5 मिनट के लिए बुर्ज खलीफा पर फीचर होना चाहे तो उसे 1 करोड़ रुपए तक खर्च करने होते हैं। शाहरुख खान को दुबई टूरिज्म के लिए बस एड शूट करने होते हैं और कुछ इवेंट्स को अटेंड करना होता है, पर इसके बदले उन्हें दुबई के महंगे से महंगे 5-स्टार 7-स्टार होटल में सारी फैसिलिटीज भी फ्री में मिलती हैं। वो फ्री में अपनी फिल्म्स को वहाँ पर शूट भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ कुछ एड शूट करने के बदले अगर इतना कुछ मिलता है तो इससे भी अच्छा कुछ हो सकता है। तो मैं आपको बता दूँ तो इससे भी अच्छा हो सकता है। तो मैं आपको बता दूँ कि शाहरुख खान की सारी चीजें दुबई सरकार अपने प्यार की वजह से देती है। इसके अलावा वहाँ शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर होने के लिए सैलरी भी देती है, और ये सैलरी जानकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट ने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए 140 मिलियन रुपए दिए थे। शाहरुख वहाँ की किसी भी शादी या फंक्शन को अटेंड करने के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए का चार्ज लेते हैं। आज शाहरुख खान का ओहदा दुबई में प्रिंस से भी ज्यादा है, और शाहरुख खान उससे कहीं ज्यादा अमीर भी है, क्योंकि बॉलीवुड के किंग खान की नेटवर्थ जहाँ 700 मिलियन डॉलर है, वहीं दुबई के प्रिंस हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की नेटवर्थ सिर्फ 40 मिलियन डॉलर ही है। मतलब वो किंग खान से भी पूरे 300 मिलियन डॉलर पीछे चल रहे हैं। शाहरुख खान की इस कमाई का बहुत बड़ा एक हिस्सा खुद दुबई से ही आता है। वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर होने के अलावा भी दुबई में उनका बिजनेस भी काफी फैला हुआ है। करीब 10 साल पहले शाहरुख ने दुबई में अपना रियल स्टेट बिजनेस शुरू किया था। इस कंपनी का नाम रियल स्टेट बॉय शाहरुख खान रखा गया था। इसके प्रोजेक्ट में शाहरुख ने करीब 3,900 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, जिससे उन्होंने वहाँ एक हाउसिंग सोसाइटी डेवलप की थी, जिसके पूरे के पूरे इंटीरियर को खुद गौरी खान ने डिजाइन किया था। दुबई में मौजूद शाहरुख खान के विला जन्नत की बात करें तो दुबई के जुमेरा में बना हुआ है। 8,500 स्क्वायर फीट का यह विला दुनिया के सबसे बड़े आर्टिफिशियल आइलैंड पर बना हुआ है। इस विला में 6 बेडरूम, 2 रिमोट कंट्रोल गैरेज, स्विमिंग पूल, होम थिएटर और बाकी सारी लग्जरी फैसिलिटीज मौजूद है। खास बात यह है कि इस विला को भी गौरी खान ने अपने स्टाइल में डिजाइन किया है। शायद यही वजह है कि शाहरुख खान दुबई को अपना
अपना दूसरा घर मानते हैं। शाहरुख खान की फिल्म पठान एक ऐसी फिल्म है जो बुर्ज खलीफा के एकदम सामने शूट की गई है और इस शूट के लिए दुबई की स्पेशल पुलिस और अथॉरिटीज ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया। तो ये है शाहरुख खान की दुबई के अंदर किंग साइज लाइफ, जो उन्हें शायद इंडिया में कभी नहीं मिलती। शाहरुख के स्वैग में इंडिया ही नहीं, दुबई की जनता भी पागल है और उनके लिए पलके बिछाए रहती है। वैसे आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही एंटरटेनिंग वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिए।